एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी हम लोग आज प्रारंभ करेंगे। क्या हुआ है? पढ़ाई करोगे या मस्ती करोगे? पढ़ाई करेंगे, दोनों चीज करोगे। सो आप एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडायवर्सिटी के बारे में पढ़े हों या ना पढ़े हों, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? और वर्तमान में देखा जाए तो एक अच्छी बुक किताब बाहर में चल रही है, शंकर IAS एकेडमी का, है ना? मेरी क्लास को यदि आपने हू बहू फॉलो किया, समझ में आ रही बात? और प्योर हिंदी कहूं तो अक्षरशः वर्ड बाय वर्ड आई कांट, मतलब मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं होगी। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक अ बेटर हिंदी। मैं अपनी हिंदी को बहुत अच्छी करने की कोशिश करूंगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जहां यदि आपके किसी कंसेप्ट की कमी हो, बिफोर द क्लास हमेशा मैं 10-15 मिनट क्लास से पहले आ जाता हूं, ओके? तो अपनी क्वेरी आप कंप्लीट भी कर सकते हो, और क्लास के पश्चात भी मैं 10 मिनट के लिए खड़ा रहूंगा, 5 मिनट आप अपने जो भी प्रश्न हैं, जो क्वेश्चंस हैं, यू कैन आस्क मी, आप पूछ सकते हैं एंड फ्रीली। और पढ़ाई करिएगा तो एज ए फ्रेंड, लेकिन रिस्पेक्ट दीजिएगा एज ए टीचर, अंडरस्टूड? तो एज ए फ्रेंड पढ़ते हुए हम लोग मस्ती करेंगे, मैं आपसे कुछ इंटरेक्ट भी करेंगे, और इस दौरान हो सकता है मूव करते हुए आपके कॉपियों को देखूं, इस दौरान हो सकता है मैं आपके सामने आकर आपके तरफ इंगित करते हुए पूछूं कि इसका क्या परिभाषा है। तो टूटे फूटे शब्द जो भी हों, जितना आप समझते हो, जितना आप जानते हो, जितना आपने क्लास में समझा है, उसी को आप परिभाषित करने की कोशिश करिएगा। कभी भी आज तक किसी ने साइकिल चलाना, चाहे कोई भी चीज़ सीखना प्रारंभ किया, तो अचानक वो साइकिल के सीट पर नहीं बैठ गया था, तो थोड़ा बहुत तो गिरना होता है, और बोलने की ज़रूरत है आपको। ये सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो इसकी प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, तैयारी, इस तैयारी में सबसे महत्वपूर्ण है, एक तैयारी और होती है, आपको बहुत अच्छा वक्ता होना पड़ेगा, सुमधुर वक्ता होना होगा, बहुत ही मधुर। यू शुड स्पीक वेरी स्मूथ स्वीट। आपकी बिहेवियर जो होनी चाहिए वो भी बहुत हम्बल होना चाहिए, क्योंकि आप केवल जब हम किसी इस प्रिपरेशन में आते हैं तो हम दो चीज ध्यान देखते हैं, प्रीलिम्स एंड मेंस। लेकिन आपके 275 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, यदि आप फाइनल सिलेक्शन के लिए आए हो तो 275 का इम्पोर्टेंस देना। यदि आप सोचते हो कि नहीं, 6 महीने 1 साल की तैयारी के बाद हम प्री क्लियर करने लायक बन जाए मेंस, तो 4 साल और 5 वर्षीय योजनाओं की तरफ आप अग्रसित हो जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम्बल भी रहें, इंजॉय भी करें, क्योंकि आज तक हम लोग जब सिविल सर्विसेज की तैयारी में आते हैं तो हम लोग ये सोचते हैं कि हमें ये बैग है, इस बैग को किस दिन कंप्लीट करें। NCERT पढ़ना है तो उसे भी हमें क्या करना है, अंडरलाइन कर करके पढ़ लेना है कि मेरा ख़त्म हो गया है। उसी किताब से मैं यदि आपसे पूछ लूँ, सर मुझे 2-4 दिन दे दीजिएगा, एक NCERT बुक्स मैं आपसे उठाकर पूछूंगा, आपका पूरा पढ़ा हुआ है और वो भी क्लास 6-7 का होगा, आप मुझे बोलोगे सर 2-4 दिन के बाद पूछिएगा, क्या मैं गलत कह रहा हूं? इसका मतलब आप अच्छे तैयार नहीं हो, आपने केवल खत्म किया है एक बर्डन जो
जो क्या कह सकते हैं आप, एक झोला लटका कर भारी भरकम लेके चल रहे हैं, सोच रहे ये खत्म करे ये खत्म करे। तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे कुछ क्लासेस के पश्चात आपको एहसास होने लगेगा कि पढ़ाई को एंजॉयमेंट के साथ पढ़िए, और जो पढ़ रहे हैं उसका क्या उपयोग है आसपास के समाज में, यस नॉट? आसपास की आर्थिक परिस्थितियों को, आसपास के पर्यावरणीय परिस्थितियों को कैसे आप बदल सकते हैं, मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो उसके एप्लीकेशन पार्ट को ध्यान दीजिएगा। यहां पर केवल नॉलेज ही नहीं, नॉलेज तो लेना ही लेना आपको, लेकिन उसका क्या एप्लीकेशन है, कैसे उसका उपयोग है, उसको महसूस करना है। क्योंकि जो पढ़ाया जाएगा हूबहू वही नहीं आएगा, उसकी उपयोगिता आएगी प्रश्न में, मेरी बात आप समझ रहे हैं? यदि मैंने आपसे जल प्रदूषण बताया कि जल प्रदूषण के ये प्रमुख कारक हैं और उसके अंतर्गत कुछ चीजें समझाते चले गए, तो आप उसको चाहे वो कावेरी हो या गंगा हो या यमुना हो, उसमें आपको समझना होगा अप्लाई करके, रिलेट करके, कि यस इसका आंसर यहां पर ऐसा हो सकता है, इस कारण से गंगा प्रदूषित हो रही है और इसके प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता, आपका आंसर। फिर जब कुछ करंट अफेयर में आए तो उस करंट अफेयर के बातों को पढ़कर उसके साथ क्या कर सके आप, समझ में आ रही बात? तो जो पढ़ाया जाएगा वो आपके लिए क्या रहेगा, एक सीढ़ी होगी जिससे कि आप प्रश्नों को समझ सकते हैं, मेरी बात आप समझ रहे हैं? और ये, और आज के डेट में इन्वायरमेंट इकोलॉजी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पेपर हो चुका है, प्रीलिम्स में मैक्सिमम क्वेश्चन आते रहते हैं। तो यदि जिस दिन ये आपका पेपर खत्म हो जाए, एनवायरमेंट इकोलॉजी, बायोडायवर्सिटी, ये सारी चीजें, उसके पश्चात आपको क्या करना है, उसको रिवीजन रेगुलर रखना। इतना मैं दावा करूंगा कि क्लास के पश्चात आप केवल 20 मिनट में मेरी पूरी क्लास को आप रिवाइज कर लिया करेंगे। अंडरस्टूड इट? चेहरा इतना गमगीन क्यों बना के रखा? आप बोले जाइए, मैं सुन रहा हूं सर, ऐसे सुन रहे हैं जैसे पता नहीं, चेहरे पे भी एक क्या होना चाहिए, अच्छा रिस्पांस होना चाहिए, सुन रहे हैं सर खड़ूस की तरह, है ना? मैंने क्या बोला, सिविल सर्विसेज की तैयारी में मैं इंटरव्यू हॉल में चला जाऊं और ऐसे खड़े हो जाऊं कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा, नहीं? डॉक्टर के पास चले जाओ, ऐसे खड़े हो जाओ, नहीं तो डॉक्टर आपके सामने ऐसे हो जाए, हम बोलोगे बेहतर भाग जाए, है ना? क्या ये कम्युनिकेशन नहीं है? ये भी तो कम्युनिकेशन है, यस आर नॉट? चलिए अब हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। एंड पहला टॉपिक जो है आपका पारिस्थितिकी, संगठनात्मक स्तर अर्थात लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोलॉजी। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोलॉजी के लिए ट्राई करिएगा कि 90% क्लास से याद करके जाएं, और जो बच्चा कॉर्नर में बैठा हुआ है वो भी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो बीच में है, जो आगे में है, तो इट मींस एवरीवन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, जितने भी बच्चे इस क्लास में बैठे हुए हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोलॉजी, और आप ज्यादा मत समझने की कोशिश करिएगा इकोलॉजी क्या है, पारिस्थितिकी, धीरे धीरे आपको समझ में आता चला जाएगा। Understood? So, first जो है आपका first one is species or प्रजाति। पहला क्या है? स्पेसिस या दूसरा पॉपुलेशन
या इसको हम लोग कह सकते हैं समष्टि या जनसंख्या भी आप कह सकते हैं, पॉपुलेशन या समष्टि, प्रजाति, समष्टि, दूसरा है, तीसरा कम्युनिटी जिसे आप कह सकते हैं समुदाय, क्या बोलेंगे आप? इज इट क्लियर? क्या तीन, कौन कौन से तीन हो गए? प्रजाति, समष्टि, समुदाय, ये तीन याद हो गए, प्रजाति, समष्टि एवं समुदाय, इज इट क्लियर? इसके बाद हम लोग देखेंगे इको सिस्टम अर्थात पारितंत्र, इको सिस्टम अर्थात पारितंत्र, देयर इट इज बायोम, और बायोम हिंदी में भी इसे क्या कहेंगे हम? बायोम। कौन कौन से पांच हो गए? बिना देखे प्रजाति, समष्टि, समुदाय, पारितंत्र, बायोम, यस ऑर नॉट? और इंग्लिश में हम लोग कह सकते हैं स्पेसिस, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम एंड देन अनदर वन इट इज बायो स्फेयर अर्थात जैव मंडल। अंडरस्टूड? क्लियर है? सो छह नाम हो गए, और प्लीज मेरी क्लास में रेडी रहिएगा, आई कैन, मैं कहीं पे भी अपने उंगली को इंगित कर सकता हूं और आपसे पूछ सकता हूं, यस? कोई डर तो नहीं है? मैक्सिमम गलती होगा ना, इंसान बना है तो गलती करके सीखता है। छह याद हो गए लगभग, प्रजाति, समष्टि, समुदाय, पारितंत्र, यस, बायोम, जैव मंडल। और जब हम इन्हें समझ लेंगे तो इसके समझने के पश्चात हम लोग समझेंगे पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी अर्थात इकोलॉजी, इको, सो इकोलॉजी हम लोग हो सकता है आज की क्लास या कल की क्लास तक पहुंच जाए। अंडरस्टूड इट? आज की क्लास या कल की क्लास। तो आज हम लोग किससे स्टार्ट करने जा रहे हैं? प्रजाति। शैल आई रिमूव, हटाऊं? एवरीवन, पहला, जब हम किसी स्पेसीज या प्रजाति की बात करते हैं तो स्पेसीज हम किसे कहेंगे? प्रजाति किसे कहा जा सकता है जो आपस में क्या कर सके? अंतः प्रजनन एंड इंटरब्रीडिंग कर पॉपुलेशन को बढ़ा सके। क्या कर सके? अंतः प्रजनन कर वहां पर उस स्पेसिफिक प्रजाति का क्या कर सके? संख्या को बढ़ा सके। अंडरस्टूड इट? यस ऑर नॉट? उसे ही हम प्रजाति कहेंगे। यदि कोई प्रजाति ने अपनी संख्या नहीं बढ़ाई तो धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा? विलुप्त। तो इसका मतलब वो प्रजाति नहीं रह पाया। तो प्रजाति के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? दे कैन इंटरब्रीड, मतलब वो अंतः प्रजनन करके संख्या को बढ़ा सके। कभी आपने देखा होगा कुत्ता को देखा होगा, कुत्ता कितने बच्चे को देता? 8-6 ज्यादा बच्चों को देता है ना जन्म। उसमें बचते कितने? 3 या 4। तो कुछ में ऐसी कमी होती है कि शायद वो आसपास के वातावरण को ना बर्दाश्त कर सके और मर जाए। कुछ में ऐसी कमी होती है कि शायद वो भोजन से उस प्रकार के पोषक तत्वों को ना ले पाए, मर जाए। और कुछ होते हैं कि इन सभी में मजबूत होते हैं और वो आगे बढ़ जाते हैं और वो
आगे। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी वो प्रजनन करके बच्चा पैदा करेंगे, जनसंख्या बढ़ाएंगे, तो उस जितनी उस पर्यावरण में जनसंख्या रह सकती है उससे ज्यादा अंतः प्रजनन करके क्या करते थे, संतति अर्थात बच्चों को पैदा करते हैं या जन्म करते हैं। समझ में आ रही बात, मेरी बात समझ में आई? तो पहला मुख्य पॉइंट क्या होगा प्रजाति का, प्रजाति वो जैव है, जैव समूह, सुनेंगे पहले लिखेंगे बाद में, पहले याद कर ले, वह है जैव समूह जो आपस में अंतः प्रजनन कर अपनी संख्या को निरंतर विकसित करते रहे। यस आर नॉट? लास्ट पॉइंट इसमें, क्या ये आपस में जीन को ट्रांसफर करेंगे? यस। क्या आनुवंशिकी स्थानांतरण होगा? क्या हमें अपने माता पिता से और अपने पूर्वजों से, हम लोग कौन से, होमो सेपियंस, हमें देखा जाए तो हम लोग कौन थे पहले, होमो हैबिलिस, फिर होमो इरेक्टस, फिर हम लोग नियंडरथल, फिर हम लोग होमो सैपियंस। तो कौन सरवाइव कर रहा है, यस टेल मी, और कौन खत्म हो गया? होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, नियंडरथल्स, ये सब क्या हो गए? तो ये क्या प्रजाति रह सके या खत्म हो चुके हैं? खत्म हो चुके हैं। इज इट क्लियर टू यू? तो प्रजाति में क्या होगा, पहला अंतः प्रजनन कर क्या करेंगे, अपनी संख्या अर्थात पॉपुलेशन को क्या करेंगे, विकसित और बढ़ाते रहेंगे, उसका विकास करते रहेंगे। और दूसरा, इसमें आनुवांशिकी स्थानांतरण होगा। क्या होगा, कभी बोलेंगे आप? अरे बोलेंगे, चलिए, जैसे मैंने बोला कि ये एक पेड़ है, एक पेड़ पर, और ये एक आपका जड़ समूह है, इस जड़ समूह के पास कीड़ा नंबर वन, इस पेड़ के तने के पास कीड़ा नंबर टू, इस जो यहां पे टहनियां हैं यहां पे कीड़ा नंबर तीन, पत्तों पे कीड़ा नंबर, यहां पर पहले ध्यान से देखिएगा, यहां पे एक कीड़ा नहीं थे, कई कीड़े थे, कई कीड़े थे, 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन क्या हुआ, इस पेड़ में जब आपके पास संसाधन सीमित हो और कई लोग उसी संसाधन का उपभोग करने आ जाए तो क्या हो जाएगी, कंपटीशन, स्पर्धा ज्यादा आ रही है, मैं एक्साइट हो जाता हूं पढ़ाते समय। मेरी आपने क्लास में जब एंट्री करूंगा ना तो वॉल्यूम बहुत स्लो रहेगा, लगेगा सुनाई नहीं दे रहा है। अब क्लियर है? अभी भी बढ़ा हुआ है? बढ़ाऊं मैं? हेलो हेलो, ठीक है, चलो आवाज आ रहा है ना। चलिए, यहां पे कितनी प्रकार के कीड़े हैं इस तेल में, लेकिन क्या है, यहां पर संसाधन सीमित है, यस आर नॉट? और संसाधन सीमित है तो स्पर्धा है, कंपटीशन है, और कंपटीशन में दूसरी कमजोर प्रजातियां खत्म हो जाएंगी और एक प्रजाति आप भी स्पर्धा में है। कौन कौन इस स्पर्धा में है, टेल मी, आपको एहसास तो दिला दूं, सारे स्पर्धा में, क्या बात है, सबने खुश खुश उठा दिया। इस एग्जाम के स्पर्धा में वो हैं जो पिछले साल सिलेक्शन ले चुके हैं, रैंक लो है, वो भी हैं, प्री देंगे, यस आर नॉट? कुछ लोग जो इंटरव्यू ना दे पाए, इंटरव्यू ना क्लियर कर पाए, वो भी हैं। कुछ लोग मेंस दे पाए लेकिन इंटरव्यू ना दे पाए, वो भी हैं। कुछ लोग IITian से, मैं IITian हूं, एंड कुछ लोग IIM हैं, और कई एक्सपर्ट्स हैं, और आप समझ रहे हैं, स्पर्धा थोड़ी सी डर महसूस हुआ, नहीं हुआ, खुशी महसूस हुआ, अच्छा उसी के साथ लड़ेंगे।
तो लड़ने के लिए क्या होना चाहिए, ऐसे जाके राजपूतों की तरह खड़े हो जाओ और आसपास इधर सीने पे खून बहा लो? नहीं, आपको अपने लिए क्या तैयार करना होगा, वेपन्स, शस्त्र तैयार करने होंगे, तभी तो लड़ सकते हैं आप। तो इस स्पर्धा में फाइनली जड़ के पास कौन बचा? कीड़ा नंबर, क्योंकि ये सभी से मजबूत था, इसकी संख्याएं बढ़ती जा रही थी, ऐसा नॉट। और दूसरे वाले कमजोर थे, यस, अर्थात प्रकृति ने क्या किया, चयन कर लिया। प्रकृति ने क्या किया, डार्विन के सिद्धांत को पढ़े हो ना, प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन, सुना है ना आपने, अब समझ में आ रहा होगा, अच्छा ये चीज ऐसा होता है, तने पे कोई और कीड़ा, यहां पर कोई और कीड़ा। तो अब शायद आप प्रजाति का परिभाषा आपको आसान से समझ में आ चुका है। क्या हो प्रजाति? प्रजाति वह जैविक समुदाय है, समूह है, जैविक समूह है जो आपस में अंतः प्रजनन कर अपनी संख्या को विकसित कर सके तथा साथ ही साथ आनुवांशिकी स्थानांतरण कर सके। लिखे प्रारंभ करें, लिखे प्रजाति। और जो कुछ इंग्लिश माध्यम वाले होंगे, मैंने पहले भी इंग्लिश मीडियम में लिया हुआ है, तो दे कैन अंडरस्टैंड दैट, अंडरस्टूड। तो लिखेंगे प्रजाति वह जैव समूह है जो आपस में अंतः प्रजनन द्वारा अपनी संख्या को सतत विकसित कर सके तथा साथ ही साथ ये जैव समूह आपस में आनुवांशिकी स्थानांतरण कर सके। इज इट क्लियर? इज इट ओके? अच्छा, हम लोग आ रहे हैं तो हम लोग में ऐसा तो नहीं रहेगा कुत्ते का जिन्स आ जाएगा? अरे आदमी का ही तो स्थानांतरण हो रहा है, यस आर नॉट? कुत्तों में कुत्तों का होगा तो आनुवंशिकी स्थानांतरण वही होगा। तो प्रजाति क्लियर है? यस, टेल मी। अगला आ रहे हैं हम लोग समष्टि की ओर। किसकी ओर? अच्छा, मानव, क्या मानव एक प्रजाति है? है, लेकिन क्या इस प्रजाति में कुछ बदलाव है? एक प्रजाति भारत में है, एक प्रजाति चीन में है, एक प्रजाति अफ्रीका में है और एक प्रजाति, क्या इसमें बदलाव है? कैसा बदलाव? यस, टेल मी, इंटरेक्ट करिए, कैसा बदलाव है? थोड़ा सा चेहरा, कलर, यस और नॉट? लंबाई, थोड़े से बाल, आंख, यस और नॉट? दीज आर द थिंग्स, जो बाहर का बनावटी आवरण है वो थोड़ा सा बदला हुआ है। और ये क्यों बदला? क्योंकि वहां का जलवायु अलग है, तो उन्होंने थोड़ी सी अपने अंदर आनुवांशिकी परिवर्तन किया है ना। हैं तो सेम स्पेसिस, लेकिन ये आनुवांशिकी स्तर पर स्पेसिस में क्या हो गया, बदलाव। समझ में आ गया? यस आर नॉट? चलिए थोड़ा सा और डीप पढ़ाऊं कि प्रजाति पढ़कर खुश हो गए? डीप पढ़ाऊं? अरे डीप पढ़ाऊं, बोलो तो सही। हाँ, नहीं तो किताबों में इतना ही लिख कर खत्म कर दिया जाता, हो गया, लो समझो प्रजाति। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? अरे मुझसे इंजॉय किया करते रहो, मत, मैं चाहता हूं कि आप ओपन आउटस्पोकन बने। सिविल सर्विसेज की तैयारी में यही तो होता है कि क्लास में गए और क्लास में लिखे, उसके बाद घर में गए, और कई बच्चा तो ताकत भी नहीं लाता कि पूछूं जाकर। जब आपके ताकत ही नहीं है पूछने के लिए, तो आईएएस की तैयारी क्या है, व्यर्थ है। आप थोड़ा सा क्या है, अपने तरफ से मानसिक रूप से क्या बने, स्ट्रांग, है ना? समझ में आ रही बात? तो मैं ट्राई करूंगा कि जब तक मैं यहां पर पढ़ाऊं, जब तक आपका कोर्स कंप्लीट करवाऊं, आपको मानसिक रूप से थोड़ा सा क्या कर सकूं, मैं सशक्त, क्या बात है, शुद्ध हिंदी, सशक्त कर सकूं। चलिए, सो
एक व्यक्ति, एक यूरोपियन व्यक्ति को या अमेरिकन व्यक्ति को मैं भारत में वो आया, 10 साल 5 साल रहने की कोशिश करी यहां पर, क्या उसके अंदर कुछ समय काल के लिए आनुवंशिकी परिवर्तन होगा? क्योंकि जैसे ही आएगा यहां पे गर्मी है, जलवायु में परिवर्तन, और जब सूर्य की किरणें ज्यादा तेज बढ़ेंगी तो नीचे से मेलानिन ऊपर आने लग जाएगा। वहां पे ठंड है तो मेलानिन कहां है? नीचे। तो गर्मी से बचाव के लिए ऊपर में क्या जाता है? तो कुछ समय के लिए जो वो अपने अंदर आनुवंशिकी परिवर्तन लाएगा उसे बोलते हैं इकोफीन प्रजाति। कौन सी प्रजाति? कौन प्रजाति? सपोज करो एक यूरोपियन इंडिया आया और एक यूरोपियन अफ्रीका गया, तो दोनों में, और एक यूरोपियन को मैंने भेज दिया टुंड्रा। कहां भेज दिया? टुंड्रा में क्या होता है आप ध्यान रखिएगा, बर्फ का चादर है, और जब सूर्य की रोशनी आती है तो इसमें कुछ भी अवशोषित नहीं होती है, पूरी सूर्य की रोशनी रिफ्लेक्ट होता है, परावर्तित, और ये पूरी आंख पे तेजी से आएगा और आंख खराब हो जाता है। इसलिए वहां पर क्या हो गया है? ये हो गया है। हाँ, और चीन में भी क्या था, कीड़े मकोड़े बहुत ज्यादा थे, तो अपने को बचाव के लिए उन्होंने क्या कर दिया, ऐसे ऐसे चीन चाइनीज देखो अपने मंगोलाइट्स, अरे मंगोल्स को देखा है ना, ऐसे ऐसे आंखें रहती हैं, तो उन्होंने अपनी आनुवंशिकी परिवर्तन किया। तो ध्यान से सुनिएगा, एक को मैंने भेजा कहां पे? टुंड्रा, एक को इंडिया और एक को अफ्रीका, तो वहां के जलवायु के आधार पर वो क्या करेगा, अपने अंदर परमानेंट या टेम्पररी बेसिस पर आनुवंशिकी परिवर्तन करेगा, यस ऑर नॉट? और फिर यदि उसको दोबारा बोला जाए यूरोप जाओ, तो फिर वही अपने अंदर, फिर वो अपना मेलानिन वगैरह जो भी चीज बदलाव थे वो उसको वापिस ले आएगा। तो ऐसे प्रजाति को क्या बोलूंगा मैं? इकोफिन प्रजाति। मेरी बात समझ रहे हैं? टेम्पररी या परमानेंट? तो लिखिएगा अगला पॉइंट, प्रजाति में ही कर रहे हैं। यदि किसी विशेष प्रजाति को विभिन्न प्रकार के जलवायुओं में, विभिन्न प्रकार के जलवायु में कुछ समय काल के लिए स्थानांतरित किया जाए, कुछ समय काल के लिए स्थानांतरित किया जाए, तो उसके बाहरी रूपरेखा में उस जलवायु के अनुसार टेम्पररी बेसिस पर आनुवंशिकी परिवर्तन होता है, टेम्पररी बेसिस पर आनुवंशिकी। इस प्रकार के प्रजाति को इकोफिन या इकोफिन प्रजाति कहते हैं। इकोफिन, समझ में आ गया? क्या मैं इस इकोफिन प्रजाति को दोबारा अमेरिका वापस भेजूं तो जो आनुवंशिकी परिवर्तन टेम्परेरी कहने का मतलब क्या है, दोबारा वो अपने आनुवंशिकी परिवर्तन को क्या कर लेंगे, पहला जैसा
क्या पहला जैसा प्राप्त कर लेंगे, यस आर नॉट। तो लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे इस प्रकार की इकोफिन प्रजाति अपनी उत्पत्ति के स्थान पर वापिस होने के पश्चात दोबारा अपनी आनुवांशिकी गुणों को प्राप्त कर लेता है, दोबारा अपने आनुवांशिकी गुणों को समझ में आ रहा। तो ये परमानेंट है या टेम्पररी है? टेम्पररी, अंडरस्टूड इट। लेकिन उसी अमेरिकन को भारत में 40 साल रख लिया जाए, कितने साल? तो इसके गोरापन तो थोड़ा सा रहेगा ही, चेहरे के ऊपर में लाल लाल ज्यादा आ जाएगा, यस आर नॉट, मेलानिन आ जाएगा, और इस प्रकार से उसमें अब कैसा परिवर्तन हो गया आनुवंशिकी? परमानेंट, समझ में आ रहा है ना। यदि वो लंबे अंतराल के लिए रह गया, अभी हमने क्या बोला था, यस आर नॉट, यदि अल्पकालीन समय और कुछ समय के लिए रहेगा तो क्या कहेगा, फिर दोबारा वापस आ सकता है, लेकिन यदि लंबे अंतराल के लिए रह गया तो उसकी आनुवांशिकी परिवर्तन परमानेंट हो जाएगा, यस आर नॉट। और उस प्रजाति को बोलेंगे इको टाइप, क्या बोलेंगे हम, समझ में आ चुका है। तो हमने क्या देखा, प्रजाति के बाद हमने क्या बोला, इकोफिन प्रजाति, उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं, इको टाइप प्रजाति। ये क्या था, ये स्टेल में टेम्परेरी बेसिस पर, और ये क्या हो जाएगा परमानेंट, यस आर नॉट, समझ में आ चुका है, यस yes। तो जब मैं ऐसा कुछ, मैं यदि बोर्ड पर कुछ भी ड्रॉ कर दूं, बच्चों उसको ड्रॉ कर लेना, मैं कुछ एग्जांपल सेट करता रहूं वो भी लिख लेना, मेरे बताए हुए से बाहर मेंस में प्री में क्वेश्चन नहीं आएगा। इकोटाइप प्रजाति समझ में आ चुका है, क्या बोलेंगे इकोटाइप प्रजाति? आप अपना, अब शायद आप भी दम आ रहा है ना बोलने का कि मैं भी परिभाषित कर सकता हूं, थोड़ा बहुत महसूस हो रहा है कि वह इस प्रकार की प्रजाति है यदि उसका क्या करे, उत्पत्ति का स्थान से किसी अन्य स्थान पर उसे स्थानांतरित किया जाए, डिफरेंट विभिन्न प्रकार के जलवायु में लंबे अंतराल के लिए, वेरी गुड, दीर्घकालीन लंबे अंतराल के लिए, तो उसमें जो आनुवंशिकी परिवर्तन होगा वो कैसा होगा, परमानेंट, और उसे हम क्या कहेंगे, इको टाइप, अंडरस्टूड, समझ में आ गया। तो लिखेंगे यदि किसी प्रजाति को अन्य जलवायु में लंबे अंतराल के लिए स्थानांतरित किया जाए,